Welcome, Mario. Today, our topic that is about the acute disease and chronic disease. What is difference between the acute and chronic disease? बहुत ही आसान लगे में समझाएंगे, समझा कर ही छोड़ेंगे. Acute disease वैसा disease जो केवल some period of time के लिए होता है, very short period of time के लिए, यानी some disease last for only very short period of time, यानी वैसा disease जो बहुत कम समय के लिए होता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, वैसे disease को हम लोग acute disease कहते हैं. बहुत सारे इसके examples हैं, जैसे common cold, typhoid, जॉन्डिस, कोलेरा, बर्न्स, कहीं जल जाता है, ब्रोकन बोन्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एक्यूट डिजीज के जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं. सेकेंड आता है क्रोनिक डिजीज, जिसमें वैसा डिजीज, वैसा एलिमेंट्स जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, या लाइफ, पूरा लाइफ भी हो सकता है, लाइफ टाइम के लिए भी हो सकता है, या तो लॉन्ग टाइम के लिए होगा नहीं तो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा हमेशा के लिए. तो वैसे डिजीज को हम लोग क्रोनिक डिजीज कहते हैं. जैसे कि आपका कैंसर है, हार्ट डिजीज है, ओस्टियोपोरोसिस है, डायबिटीज है, एलिफेंटियसिस, स्ट्रोक, ये सारी एग्जांपल्स हैं, एथराइटिस, सारे एग्जांपल्स जो हैं आपके होते हैं क्रोनिक डिजीज के, यानी ये सब लाइफ टाइम के लिए, कुछ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिजीज हैं. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्यूट डिजीज एंड क्रोनिक डिजीज. एक्यूट डिजीज क्या है, जो कि वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. क्रोनिक डिजीज क्या है, जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, दैट कैन हैपन फॉर द लाइफ टाइम, और लाइफ टाइम के लिए भी हो सकता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट डिजीज एंड क्रोनिक.